आज देश को इंटरनेशनल एग्जीबिशन सेंटर यशोभूमि भी मिला है। इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने अपनी पब्लिक के लिए एक बड़ा सरप्राइज, एक बड़ा गिफ्ट अनाउंस किया है, जो कि दिल्ली में रिक्रिएशन सेंटर जो है वो बनाने जा रहे हैं, दुनिया के बिगेस्ट रिक्रिएशन सेंटर में से एक होगा। जम्मू कश्मीर में हर डिस्ट्रिक्ट से बर्थडे को मनाया जाएगा और यतीमों को खिलाया जाएगा, गरीबों में दान दिया जाएगा। वो किसके नाम पे? वजीर आजम हिंद नरेंद्र मोदी जी के नाम पे। मैं आज यशो भूमि को देश के हर श्रमिक को समर्पित करता हूं, हर विश्वकर्मा साथी को समर्पित करता हूं। पाकिस्तान में भी आए रोज कोई ना कोई गिफ्ट प्राइम मिनिस्टर्स की तरफ से दिया जाता है। कभी गिफ्ट दिया जाता है पेट्रोल महंगा होने का, कभी गिफ्ट दिया जाता है बिजली का यूनिट महंगा होने का, कभी गिफ्ट दिया जाता है आटा घी दाल की प्राइस बढ़ने का। प्राइम मिनिस्टर मोदी की बर्थडे पर तो 73,000 स्क्वायर मीटर्स पर ये मुश्तमिल होगा और तकरीबन 4400 करोड़ का ऊपर बजट लगा है। तकरीबन तो सर, दुनिया के मुख्तलिफ कंट्रीज में जो उनके प्राइम मिनिस्टर होते हैं, उनके लीडर होते हैं, हेड ऑफ स्टेट होते हैं, वो उन्हें गिफ्ट देते हैं। जैसे भी इंडिया से खबर आ रही है कि उनके जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो उन्हें रिक्रिएशन सेंटर जो है वो इनॉग्रेशन करने जा रहे हैं, जिसका नाम यशोभूमि रिक्रिएशन सेंटर दिल्ली में। हमारे यहाँ पे भी प्राइम मिनिस्टर मौजूद हैं, पता है ना? हाँ जी जनाब। ये क्या गिफ्ट दे रहे हैं हमें पब्लिक को? जय हिंद दोस्तों, हमारी एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजधानी दिल्ली के द्वारका में यशोभूमि नाम से इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर IICC को राष्ट्र को समर्पित किया। इस दौरान उन्होंने यहाँ कुम्हारों और मोचियों से भी मुलाकात की। अधिकारियों के मुताबिक 8.9 लाख वर्ग मीटर से अधिक के परियोजना क्षेत्र और 1.8 लाख वर्ग मीटर से अधिक कंस्ट्रक्टेड एरिया में फैला ये सेंटर दुनिया की सबसे बड़ी माइस, बैठकें, प्रोत्साहन, सम्मेलन और प्रदर्शनियां सुविधाओं में शुमार होगा। इसमें 15 कन्वेंशन सेंटर और 11,000 लोगों के बैठने की क्षमता है। दरअसल देश में बैठकों, सम्मेलनों और प्रदर्शनियों की मेजबानी के लिए विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचा तैयार करना PM मोदी का दृष्टिकोण है। द्वारका में यशोभूमि से इसे बढ़ावा मिलेगा। इसके पहले चरण के उद्घाटन के साथ ही वो द्वारका सेक्टर -21 से द्वारका सेक्टर -25 तक दिल्ली एयरपोर्ट मेट्रो एक्सप्रेस लाइन के विस्तार का भी उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यशोभूमि सेंटर पहुंचकर यहां सबसे पहले जूते चप्पल बनाने वाले कारीगरों यानी कि मोचियों से बातचीत की और उनका हाल जाना। इसके बाद प्रधानमंत्री ने मिट्टी की शिल्पकारी करने वाले कुम्हारों से मुलाकात करते हुए उनसे उनकी कला के बारे में विस्तार से बात की। यशोभूमि पहुंचकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में फुटवियर उद्योग से जुड़े कारीगरों और शिल्पकारों से मुलाकात की। अब वह कुछ ही देर में द्वारका में यशोभूमि नाम से इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर IICC को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने द्वारका सेक्टर 21 से नए मेट्रो स्टेशन यशोभूमि द्वारका सेक्टर 25 तक दिल्ली एयरपोर्ट मेट्रो एक्सप्रेस लाइन के विस्तार का उद्घाटन करने के बाद दिल्ली मेट्रो के कर्मचारियों के साथ बातचीत की। इस दौरान उन्होंने मजदूरों और कर्मचारियों के प्रति कृतज्ञता जाहिर की। यशोभूमि पर पाकिस्तानी मीडिया का क्या रिएक्शन है, आइए देखते हैं। प्राइम मिनिस्टर हैं वो उन्हें रिक्रिएशन सेंटर जो है वो इनॉग्रेशन करने जा रहे हैं 1-2 दिन तक, ठीक है, जिसका नाम यशोभूमि रिक्रिएशन सेंटर दिल्ली में। हमारे यहाँ पे भी प्राइम मिनिस्टर मौजूद हैं, पता है ना? हाँ जी जनाब। ये क्या गिफ्ट दे रहे हैं हमें पब्लिक को? जनाब ये हमारे लिए गिफ्ट है। अच्छा। क्योंकि हर जो 15 तारीख के बाद या 15 दिनों के बाद हमें एक गिफ्ट मिलता है, वो किस लिए मिलता है? जब हम अपने हकूक के लिए बाहर नहीं निकलेंगे, ठीक, हमें गिफ्ट मिलता कौन सा पहले ये तो बताएं, लोग ये ना समझे वाकई पता नहीं ना गिफ्ट मिलता है। जनाब गिफ्ट ये मिलता है कि हमारे ब्लड प्रेशर हाई हो जाते हैं ये कीमतें सुन के, पेट्रोल की कीमत, बिजली की कीमत, और जो रही सही कसर है जो आती नहीं वो गैस की कीमत, ठीक है। और कहीं पे बस नहीं चलता और जहाँ पे चलता है वो ये चीजें हैं। वो पब्लिक है, पब्लिक पे बस चलता है। क्या कहेंगे वो लोग जिस तरीके से उनके प्राइम मिनिस्टर जिस तरीके से डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं, उन्होंने इवन आपने गैस की बात की, उन्होंने गैस की कीमत भी पर सिलेंडर जो 300 रुपये 400 रुपये कम किया और भी फैसिलिटीज देते हैं, फर्क क्या है? क्या समझते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर सो जाते हैं या क्या वजह है?
सबसे मेन जो मैंने समझा है वो ये है कि हम जो 75-76 सालों में जो हमारे बड़े हैं ना, उन्होंने जो एग्रीमेंट किए हैं ना, अभी तक तो हमें उनका अजाला जो है ना वो करना पड़ रहा है। ऐसे ही है, हम जो हमारे सियासतदान हैं या जो भी है साहिब हसीयत हमारे बड़े जो भी लीडर वो जब भी एग्रीमेंट करते हैं वो अपना सोचते हैं, हमारी आवाम का नहीं सोचते कि 20 सालों के बाद उन्हें क्या क्या भुगतना पड़ेगा। ठीक, वो जो एग्रीमेंट 1994 के हुए हैं, ठीक है, बिजली के, ठीक है, वो अभी तक हम उनका जो है ना अजाला भुगत रहे हैं। बिल्कुल, बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। और अभी IMF के साथ भी तो एग्रीमेंट ही किए हैं ना, ये बिजली के बिल पाकिस्तान की गवर्नमेंट बढ़ाती है या IMF बढ़ाती है, जरा ये बताइएगा। जनाब हम IMF के बगैर चल ही नहीं सकते, जिस तरह घर। बिल्कुल सही सर, इतना बजट लगाकर जो कौम के लिए गिफ्ट तैयार किया जा रहा है, इससे पहले भी नई पार्लियामेंट की बिल्डिंग जो थी वो अपनी कौम को उन्होंने डेडिकेट की है। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी, अभी मैं आपका बैकग्राउंड भी देख रही हूँ, ये बैकग्राउंड में पीछे फूल लगे हुए हैं और वो भी तिरंगे झंडे के कलर के लगे हुए हैं। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी के आने से पहले क्या ये सब होता था, जिस तरह से आपने अपनी दीवार पर अपने झंडे को सिंबलाइज किया हुआ है, दिखाया हुआ है, क्या प्राइम मिनिस्टर मोदी के आने से पहले भी ऐसा ही होता था? नहीं बहन, हम तो धोखे की जिंदगी गुजार रहे थे, हमें मजहब के पुले कार दिए जाते थे, हमें मजहब के आड़ में आकर ऐसे काम करवाए जाते थे, या तो मरगुजारों में जाना होता था या जेलों में जाना होता था, या हमें कट्टरपंथी सिखाई जाती थी। यहां की पॉलिटिकल पार्टियों ने इस देश को बर्बाद करके रखा, और अभी भी कई ऐसे लोग हैं जो पाकिस्तानी सोच रखते हैं, जिनकी रोटी कभी हजम नहीं होती है, मगर उन दुकानों को ताला लगा दिया वजीर आजम ही नरेंद्र मोदी जी। वजीर आजम ही नरेंद्र मोदी जी ने हमें एक विजन दिया, एक सोच दे दिया, एक रास्ता दे दिया। हम इस हिंदुस्तान में पैदा हुए हैं और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जो अपने मुल्क की हिफाजत करे, जो अपने मुल्क का इज्जत और वकार बनाए, वो सबसे बेहतरीन शख्स है। जब हमें इस्लाम ये तालीम देता है तो हम अपने मुल्क के खिलाफ कैसे जा सकते हैं? हाँ, कुछ ऐसे लोग थे जो हमें गलत गाइडेंस करते थे, हमारे नौजवानों को गलत गाइडेंस करते थे, और उनकी आंखों का जो पर्दा हमें कई लोगों ने डाले थे, उन पर्दों को हटा। तो ये था पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन यशोभूमि के उद्घाटन को लेकर। आपको नरेंद्र मोदी द्वारा दिए गया ये तोहफा कैसा लगा, हमें कमेंट करके जरूर लिखें। मिलेंगे आपको एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।